प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम के घर रविवार को बुलडोजर चला। इस एक्शन के बाद एक और नाम की खूब चर्चा रही, ये नाम है आफरीन फातिमा। बुलडोजर एक्शन के बाद आफरीन फातिमा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इसके बाद आफरीन फातिमा के पुराने बयानों के वीडियोस वायरल होने लगे। इतना ही नहीं, आफरीन के समर्थन में जेएनयू में प्रदर्शन भी होने लगा। आपको बताते हैं कि ये आफरीन फातिमा है कौन और इनका जावेद पंप से क्या कनेक्शन है। दरअसल आफरीन फातिमा जावेद पंप की बेटी है। जेएनयू में पढ़ने वाली आफरीन फातिमा के नागरिक संशोधन कानून को लेकर चले आंदोलन के दौरान भी कई बयान सामने आए थे। इन बयानों को आधार बनाकर लोग उसे वायरल कर रहे हैं। वहीं विदेशी चैनलों को दिए गए इंटरव्यू में आफरीन ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से घर को ढहाने की कार्रवाई को अवैध बताते हुए बयान दिया। यह भी खासा वायरल हो रहा है। आफरीन का कहना है कि हमारे घर का हाउस टैक्स जमा हो रहा था, पिछले 20 सालों से हम वहां रह रहे थे, अचानक घर का निर्माण अवैध कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर बुलडोजर चलाया जाना कानूनी रूप से सही नहीं है। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आफरीन फातिमा जेएनयू स्टूडेंट यूनियन में भी काफी चर्चित रही है। आफरीन जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की काउंसलर पद पर भी कार्यरत है। आफरीन जावेद अहमद पंप की बड़ी बेटी है। वे दिल्ली में रहती है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है, सामाजिक रूप से काफी एक्टिव भी रहती है। आफरीन फातिमा सीएए आंदोलन के दौरान काफी एक्टिव रही थी। उन्होंने नागरिकता कानून को लेकर कई स्थानों पर प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। आफरीन कई अन्य मसलों पर भी अपने विचार रखती रहती है। जावेद पम का मकान तोड़ने के दौरान उनकी बेटी आफरीन फातिमा की तस्वीर सामने आई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बारे में काफी चर्चा शुरू हो गई। आपको बता दें कि प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा मामले में जावेद अहमद उर्फ पंप का नाम सामने आया था। जावेद पंप के घर को पीडीए के 2 बुलडोजर की मदद से करीब 3 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।